मनोजवं मारुत्तुल्यवेगं जीतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बानर यूथ मुख्यं श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करते हैं कि 2019 में जो हनुमंत लाल जी की पावन जयंती मनाई जा रही है, इस विषय पर। संकट मोचन अंजनीश्रुत पवन पुत्र हनुमान का जन्मोत्सव चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और प्रभु के इस दिव्य और पावन लीलाओं से कौन अपरिचित है, अनजान है। हनुमान जयंती के दिन बजरंगबली की विधिवत पूजा करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अगर हम बात करें संकट मोचन हनुमान के जन्म की कथा की, तो भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार श्री हनुमान जी महाराज माने जाते हैं। पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि इनके अमरत्व की प्राप्ति के लिए जब देवताओं ने, असुरों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया, तो उससे अमृत निकला और असुरों ने छीन करके आपस में लड़ाई इत्यादि करने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था और देवताओं व असुरों ने स्वयं भगवान शिव को कामातुर किया था। इस समय भगवान शिव ने जो वीर का त्याग किया था, पवन देव ने बानरराज केसरी की पत्नी अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुआ था और गर्भ से केसरी नंदन मारुति संकट मोचन राम भक्त हनुमान जी का जन्म हुआ था। मित्रों, इसके बाद की अगर हम चर्चा करें तो कैसे पड़ा केसरी नंदन भगवान हनुमान जी का नाम, आइए इस विषय पे चर्चा करते हैं। केसरी नंदन मारुति का नाम हनुमान कैसे पड़ा, इससे जुड़ा एक जग प्रसिद्ध किस्सा है, एक घटना है। हनुमान जी की बाल्यावस्था में घटी एक मारुति अपनी निद्रा से जागे और तीव्र भूख लगी उनको और उन्होंने एक वृक्ष पर लटके हुए लाल से फल को देखा। वह फल नहीं था, वो भगवान सूर्य थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण करने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु को समझ नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने इंद्र से सहमति मांगी, सहायता मांगी। इंद्र ने बार बार आग्रह करके हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त कर दिया। तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। इस प्रकार मारुति मूर्छित होकर के आकाश से धरती पर गिर पड़ जा करके। पवन देव इस घटना से क्रोधित होकर के मारुति को एक गुफा में लेकर के अंतर्ध्यान हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर त्राही त्राही मच गया। इधर विनाश को रोकने के लिए सारे देवतागण पवन देवता से आग्रह करने लगे कि वे अपने क्रोध को त्यागें, क्योंकि उन्होंने वायु के प्रवाह को ही रोक दिया। सभी देवता मारुति को वरदान स्वरूप कई दिव्य शक्तियाँ प्रदान की और उन्हें हनुमान नाम से पूजनीय होने का वरदान देते हुए कहा कि इस दिन से मारुति का नाम हनुमान पड़ा। इस घटना की व्याख्या तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा में की गई है। उन्होंने क्या कहा है, बोले जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लीलो ताही मधुर फल जानू। तो मित्रों, इस तरह से पड़ा हनुमान का नाम, केसरी नंदन का नाम हनुमान, और हनुमान जी से जुड़ी आपको ये दिव्य रोचक कथा मैंने श्रवण कराई है। मित्रों, पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय माता।